क्या पीएम मोदी के लिए ट्रंप कार्ड साबित होंगे अमर सिंह? 2019 में विरोधियों के खिलाफ मोदी के ब्रह्मास्त्र होंगे अमर सिंह? मिशन 2019 की राह में विपक्षी दलों का महागठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा रोना बना हुआ है, लेकिन लगता है महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए एनडीए को अमर सिंह के रूप में नया ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद अमर सिंह विरोधियों के खिलाफ पीएम मोदी के ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई थी कि योगी सरकार में सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अमर सिंह को आजमगढ़ से टिकट ऑफर कर दिया है। कभी एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अमर सिंह से जुड़ी ये खबर मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अमर सिंह से जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी संभावना से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक क्षेत्र से चिपक कर नहीं रह सकता, अभी जरूरत है मोदी जी के हाथ को मजबूत किए जाने की और मैं मोदी जी के लिए काम करूंगा। अमर सिंह ने कहा कि मैं पीएम मोदी को निजी तौर पर बहुत पसंद करता हूं, उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता है, मेरी आगे की जिंदगी उन्हीं के नाम है। बकौल अमर सिंह, पूरे देश में इस बात को सभी जानते हैं कि मोदी के व्यक्तित्व और उनके काम का मुकाबला सारे लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। अगर मुझे मायावती, ममता बनर्जी और मोदी जी में से किसी एक को पीएम पद का उम्मीदवार चुनना हो तो मेरा वोट निश्चित तौर पर आखिरी एम यानी मोदी जी के साथ है। उधर अमर सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी और यादव कुनबे के काफी करीबी रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि उनके पास कई राज भी होंगे जो चुनाव के दौरान सियासी हमले में एनडीए के लिए हथियार बन सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो महागठबंधन की चुनौती से निपटने के लिए एनडीए अमर सिंह के अनुभवों का इस्तेमाल कर सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।